आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। अपने महलों में बैठे लोग जब बारिश होती देख ये कहते हैं कि वाह क्या मौसम है, तब कोई उसी बारिश में बैठकर रात गुजारने को मजबूर होता है। उस बारिश में यही पता नहीं चलता कि उस बारिश में वो माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही है या बारिश का पानी उसकी आंखों से गिर रहा है, क्योंकि हर बारिश हर किसी के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। और फिर बिहार के कोशी क्षेत्रवासियों के लिए बारिश हो या बाढ़, ये दोनों ही रूह को झकझोर देने वाली होती है। कोशी को माँ मानते हैं पर वो हर साल डुबाती है, नेपाल को पड़ोसी मानते हैं पर वो हर साल अपने बैराज खोल देता है, हम सरकार चुनते हैं अपनी सुविधा के लिए पर वो हर साल हमारी सुरक्षा में चूक जाती है। ये दर्द हर उस इंसान का है जो बाढ़ प्रभावित इलाके में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। ये दर्द है हर उस इंसान का जो बाढ़ में किसी अपने को खो चुका है। ये दर्द है हर उस नागरिक का जिसने सरकार से उम्मीदें लगाई रखी हैं। हम और आप चाहकर भी उनके दर्द को समझ नहीं सकते। कैसे समझेंगे कि घरों का बाढ़ में बह जाना कैसा होता है, कैसे समझेंगे कि बाढ़ में बच्चों का बिछड़ जाना कैसा होता है, कैसे समझेंगे अपने 2 साल के बच्चे का भूख से तड़प के मर जाना कैसा होता है। हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते क्यों हर साल बाढ़ बिहार में तबाही लेकर आता है, क्यों हर साल लाखों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला पड़ोसी देश के बैराज खुलने से होता है। हमारी सरकार जिसे जनता ने चुना है वो ऐसी विपदाओं से निपटने के लिए कठोर कदम क्यों नहीं उठाती, क्यों आज तक इसका कोई हल सरकार नहीं ढूंढ सकी? क्योंकि हम सरकारों के लिए महज एक नंबर है। कोशी क्षेत्रवासियों को तो ये भी नहीं पता कि कोसना किसे है, नेपाल को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या इस उफनाती नदियों को। आपको एक बात जरूर जानना चाहिए कि कोशी नदी की अपनी कोई स्थायी धारा नहीं थी, क्योंकि तटबंध बनाकर नदी की धारा को नियंत्रित दिशा दी गई, इसलिए बिहार में प्रलयकारी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। हर साल बिहार में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर बनी रहती है। दरअसल इतने बड़े पैमाने पर आई बाढ़ की वजह है कोसी नदी का अपना रास्ता बदलना। ब्रिटिश सरकार ने तटबंध नहीं बनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि अगर तटबंध टूटेगा तो क्षति ज्यादा होगी, जिसकी भरपाई करना ज्यादा मुश्किल साबित होगा। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने नेपाल के साथ समझौता कर 1954 में तटबंध बनाने का फैसला किया, पर यह नहीं सोचा कि अगर तटबंध बनाने के बाद नदी ने रौद्र रूप ले लिया तो क्या किया जाएगा। तटबंध बनाकर नदी की धारा को नियंत्रित दिशा तो दे दी गई, पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ का खामियाजा आज तक इस क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ रहा है। तटबंध बनाते समय इंजीनियरों ने अनुमान लगाया था कि यह 9 लाख घन फुट प्रति सेकंड क्यूसेक पानी के बहाव को बर्दाश्त कर सकेगा और तटबंध की आयु 25 वर्ष आंकी गई थी। कोशी पर बना यह तटबंध 7 बार टूट चुका है और इस बाढ़ से काफी तबाही भी हो चुकी है। तटबंध टूटने का एक बड़ा कारण कोशी नदी की तलहटी में तेजी से गाद जमना है, जिसके कारण जलस्तर बढ़ता है और तटबंध पर दबाव पड़ता है। लेकिन आज तक इन कारणों के ऊपर कोई बहुत बड़े फैसले नहीं लिए गए कि आखिर इन लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे कोसी को नियंत्रण में रखा जाए।